नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की कल की रणनीतियों के ऊपर बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या निफ्टी के, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, क्या मैजिकल फिगर्स थे, क्या बाजार तेज हो गए हैं, क्या बाजार मैजिकल फिगर के ऊपर टिक गए हैं या फिर मैजिकल फिगर ने अपने आप में बदलाव कर लिए हैं, सबकी बातचीत करेंगे। और फिर बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक की। स्टॉक स्पेसिफिक में हमारे पास होल्डिंग पर क्या था, कौन सी स्ट्रैटेजीज आज के लिए बनाई थी, कहां पर आपको मुनाफा हुआ होगा, कहां पर लॉस हुआ होगा, उन सबका एक छोटा सा ओवरव्यू भी करेंगे और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कल की निफ्टी के, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे और कल के लिए कौन से स्टॉक स्पेसिफिक में रणनीतियां बना सकते हैं, क्या बाजार यहां से ट्रेंड रिवर्स कर जाएंगे या फिर और करेक्शन आने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं पहले स्टॉक स्पेसिफिक की। स्टॉक्स में हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्री होल्ड था, जो कि हम लोगों ने 2202 के आसपास परसों बाय किया था, कल बाय किया था, और आज 2283 के आसपास उसका मुनाफा बुक किया। हालांकि मैंने ये भी मेंशन किया था, अगर किसी को डिलीवरी पर्पज से इसको बाय करना है तो बहुत बढ़िया रेट है। और आज कल 2180 के आसपास का लो पोस्ट हुआ था और आज 2350 के आसपास खड़ा है। 2180 में आप लोगों ने नहीं लिया होगा, लेकिन इंटेलिसिस का वीडियो देखकर 2300 के आसपास जरूर लिया होगा। तो 6-7% के आसपास की बढ़त सिर्फ एक दिन में देखने को मिली है। हमारी परफॉर्मेंस शीट में प्रॉफिट बुक हो गया, 3.61% के आसपास कैपिटलाइज किया है। दूसरा, अच्छा आज के लिए कौन से स्टॉक से, दूसरा कोई स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पर नहीं था। अल्ट्राटेक को बाय करने कहा था 5768 के आसपास, आज का लो पोस्ट हुआ है 5821 का, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। टारगेट दिया था 56050 का, आज का हाई पोस्ट हुआ है 6058 का। ये होते हैं लेवल्स के कमाल। किसी ने भी स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीति के आधार पर कॉल ऑप्शन पे स्ट्रैटेजी बनाई होगी तो मुझे ऐसा लगता है मुनाफा हुआ होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्ट्राटेक की बात कर रहा हूँ, आगे भी जब मैं ओवरव्यू करूँगा चीज़ों का तब आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, कॉल ऑप्शन पे स्ट्रैटेजी बना के पैसा बनाया जा सकता था। दूसरा स्टॉक लिया था हमने सनफार्मा, 871.50 के आसपास सेल करना था, 875.10 के आस का स्टॉप लॉस था, 840 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज का लो पोस्ट हुआ है 860 का। आज हम अच्छे खासे तेज ओपन हुए थे, अच्छे खासे तेज नहीं, रीजनेबली गुड ओपन हुए थे। 885.80 का हाई पोस्ट किया है, स्टॉप लॉस हो गया, 0.41% के आसपास का मुनाफा हुआ। अगर रिलायंस के प्रॉफिट से इसके लॉस को डिडक्ट कर दिया जाए तो भी 3.20% के आसपास विद इन ए स्पैन ऑफ 48 आवर्स और 24 आवर्स हमने कैपिटलाइज किया है। तीसरा स्टॉक लिया था SBI बैंक, 438.30 के आसपास बाय करना था और आज का लो 438.55। 25 पैसे की वजह से परफॉर्मेंस शीट में एंट्री दर्ज होने से रह गई। टारगेट दिया था 448 के, आज का हाई पोस्ट हुआ है 454.30 का। मोटा माटी 25 पैसे की वजह से परफॉर्मेंस शीट में नहीं आया, लेकिन अगर किसी ने कॉल ऑप्शन में कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी तो उसका तो पक्के से हो गया होगा लाव माल। मुझे लगता है 5-10 हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं हुई होगी अगर उसने कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटजी में काम किया होगा तो। चौथा स्टॉक लिया था मारुति, 6745 के आसपास बाय करना था, 6777 का लो पोस्ट किया है, एग्जीक्यूशन ये भी नहीं हो पाया। टारगेट लेके चल रहे थे 6868 के, आज का हाई पोस्ट हुआ है 7078 का। किसी ने अगर यहाँ पर भी कोई कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटजी बनाई होगी तो उसका हुआ होगा लाव माल। तो ये 4 स्टॉक्स थे, 1 कॉल एग्जीक्यूट हुआ, 1 कॉल होल्ड पे था, बाकी 3 कॉल परफॉर्मेंस शीट में दर्ज नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, जो आया दुरुस्त आया। बात करते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। जितनी भी बात मैं स्टॉक स्पेसिफिक की करता हूँ वो करंट ये NSE इक्विटीज के स्टॉक्स होते हैं, तो अगर बाय कॉल है तो आप उसको जब तक उसका स्टॉप लॉस टारगेट नहीं होता तब तक होल्ड कर सकते हैं, सेल कॉल है तो बाय डिफॉल्ट इंट्राडे काटना होता है। कल के लिए पहला स्टॉक होगा HDFC बैंक, 1379-1383 के आसपास सेल करेंगे, स्टॉप लॉस 1386.10 का, टारगेट 1355 के। कल मैंने वुमेंस डे स्पेशल पे HDFC को बाय करने कहा है 1300 के आसपास जब चल रहा था, तो उसको देखकर इस कॉल को देखकर उसको उसमें डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि पोजिशनल कॉल अलग होते हैं, ट्रेडिंग लिहाज से कॉल्स अलग होते हैं। वैसे भी स्टॉप लॉस हो जाता है तो भी अल्टीमेटली कट जाना है इसने इंट्राडे में, टारगेट अचीव नहीं होता तो भी कट जाना है इसने इंट्राडे में, टारगेट अचीव होता तो भी कट जाना है। अल्टीमेटली नीचे 1300 के स्तर का बाय करने का हुआ है, 1355 का अपन इसका टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। दूसरा स्टॉक होगा हमारा अल्ट्रासेमको,
6180-6200 के आसपास सेल करेंगे, 6251 का स्टॉप लॉस, 5915 के टारगेट। तीसरा स्टॉक होगा हमारा भारतीय एयरटेल, 699-701 के आसपास सेल करेंगे, 70860 का स्टॉप लॉस, 674 के टारगेट। चौथा स्टॉक होगा हमारा टाटा स्टील, 1265-1269 के आसपास सेल करेंगे, 1275-10 का स्टॉप लॉस, 1212 के टारगेट। ये होंगे हमारे कल के लिए चार स्टॉक्स, सारे सेल के कॉल हैं, तो अल्टीमेटली कोई रिस्क कैरी नहीं होगी परसों के लिए। इन स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीतियों के आधार पर भी आप कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटजी बना के, अगर कहीं कोई कॉल एग्जीक्यूट नहीं होता है तो कुछ पैसों के लिए आप इनमें कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटजी बना के कुछ ना कुछ दिन का कैपिटलाइज कर सकते हैं।